अच्छा, इसमें कुछ फैक्टर्स मैं पूछना ही चाह रही थी कि हर एज ग्रुप के से हम लोगों ने 2 to 5, 2 to 6 बेसिकली कहने एक एज ग्रुप होती है, फिर 7 to 13 एक एज ग्रुप होती है, ये जो 2 to 5 या 6 years अप टू 7 years कहने, इस एज ग्रुप के बच्चों के अंदर कौन से फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? सर, मैंने एक सेल्फ एस्टीम मैं काफ़ी ज़्यादा उस पर पढ़ रही थी कि इस एज में बच्चे इस तरह के कॉन्सेप्ट डेवलप करना शुरू कर रहे होते हैं, लेकिन 2 to 5 में आपके ख्याल में इस एज ग्रुप में किस किस किस्म के कॉन्सेप्ट्स होते हैं बच्चों के साइकोलॉजिकल जो डेवलप हो रहे होते हैं? 2 years के बच्चा तो अपनी इंडिपेंडेंस, उसको आप रोबोटिक्स और उन चीजों में नहीं डाल सकते, यू हैव टू गो बाय एज। 2 years के बच्चे के लिए आपको बिकॉज आप उसको डील करना सिखाएं अपनी इमोशंस के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो टेंट्रम्स कहते हैं ना टेरिबल टूल्स, बिकॉज उनकी बहुत सारी इमोशंस होती हैं, दे डोंट नो हाउ टू डील, तो वो टेंट्रम्स शो करते हैं। तो सिट देम डाउन, काम देम डाउन प्यार से, व्हेन दे आर इन अ टेंट्रम उस वक्त उनको समझाने की कोई जरूरत नहीं होती, बिकॉज उस वक्त उनको सिर्फ आपने काम डाउन करना है, सपोर्ट करना है, प्यार करना है। When they calm down, you talk to them कि how can they express their emotions in a more productive way। अब उनको उनकी language में ये बात समझानी है at their level कि 2 year का बच्चा है तो उसने अपनी emotions को कैसे deal करना है, उसने independent होना है तो वो क्या क्या काम अपनी independent decisions ले। मसलन ये कि mothers हैं वो शुरू कर दें कि वो बच्चे खुद कपड़े pick करना शुरू करें, आप उनको सामने रखो कि ये शर्ट है ये, आप उनको अलाउ उनको कहें कि ये चीज़ डालो, ये करना शुरू करो, give them things to do on their own कि उनकी आप इंडिपेंडेंस बढ़ाएं। जब आप इंडिपेंडेंस बढ़ाएंगे तो इट विल गो टुवर्ड्स सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आप उनको जब आप डील करना सिखाएंगे ना इमोशंस, तो यू गिव देम अ वॉइस, दे हैव एन एक्सप्रेशन, तो ये उनकी जितनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और जितना दे कैन बी वेरी इमोशनली मेच्योर व्हेन दे ग्रो अप। अगर आप इस लेवल से शुरू करें 3, 4, 5 years की भी एज पे, देखें हम लोग की नेशन में यह है कि हम लोग जो वेस्ट कर रहा होते हैं ना, पागलों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। It's not about robotics and STEM. It's about balancing things. ये जो age होती है ना, it's more about attachment, validation, learning things, curiosity. इस age पे love and curiosity, I think better बड़ी emotions हैं दो। अगर आपको parents से love मिल रहा है, security मिल रही है, trust है आपको, तो आपकी जितनी self esteem, self issue, self confidence develop करेगा ना, वो किसी और चीज से नहीं develop करेगा। Then curiosity होती है stage पे, expression होता है, you need to express, kids need to express। इस age पे आप उन्हें express करने के लिए चीजें दें, like बेशक ये पुराना हो गया है style, लेकिन अगर आप उनको मिट्टी से खेलने देंगे, प्लेडो दे दें, स्कल्पचर्स बनाने दें, मिट्टी से चीजें बनाने दें, एक्सप्रेस करेंगे बॉडी लैंग्वेज उनकी, उनको लगा दें डांस वगैरह पे या खेलने कूदने पे, कलरिंग पे। इवन अगर कोई चीजें मैं बार बार कहती हूँ कि उनकी थिंकिंग एनालिटिकल थिंकिंग करी है, उसमें अगर ब्लॉक्स आपको पुराने लग रहे हैं, उसमें एज अप्रोप्रिएट स्टेम की कोई चीज डालें। इट्स जस्ट नॉट अबाउट स्टेम, इट्स नॉट अबाउट रोबोटिक्स, इट्स अबाउट अलाउइंग द किड्स टू डिवेलप क्रिटिकल थिंकिंग, कि किस तरह से उनकी लॉजिकल थिंकिंग एंड देन questioning, expressing their own emotions, expressing their concerns, expressing themselves actually.